वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही मेहनत करने के बाद ये आपका प्रैक्टिस सेट एट लीस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज आपके सामने अपलोड होने जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट को बनाने में इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आपको मैं दिखा दूं कि इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश लैंग्वेज से एक्सप्लेनेशन है, फिर हिंदी मीडियम है और हिंदी से भी एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे कि इतना सब कुछ करने के लिए, और ये सीरीज काफ़ी लंबी है, मैंने बनाई है 100 आउट ऑफ प्लस क्वेश्चन की। तो आज देखते हैं जहाँ तक हम लोग कर पाएंगे या जहाँ तक हमें करना चाहिए वहाँ तक हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। अब जब लगेगा कि नहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम उसे पार्ट टू में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। क्वेश्चन के मैंने आंसर नहीं दिए हैं, मैं बताता चलूँगा साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में करना है और इस 4-5 दिन की जो प्रैक्टिस सेट की मेरी मेहनत है बस आपका स्कोर है और ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइक। मैं चाहता हूँ कि इसमें एटलीस्ट 500+ लाइक तो जाने ही चाहिए, या शेयर करिए आप ताकि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए सफल हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बीच में कि आउट ऑफ सिलेबस मीन्स जो अभी नहीं पढ़ाया गया उसके भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पूरा टेस्ट प्रैक्टिस सेट टाइप से रखा है जिसमें 100 क्वेश्चन है आपके पूरे, जैसे मान लो एग्जाम में पूरे में आएंगे तो कैसे आएंगे उस टाइप से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए पैटर्न क्या रहेगा, मैं एक बार सबको बता देता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट्स को बार बार परेशानी ना हो। पैटर्न ऐसा रहेगा कि जैसे मैंने इंग्लिश में बोला तो जो लैंग्वेज में इंग्लिश में बोलूंगा उसे तुरंत हिंदी में रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, मगर जब सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो जैसे मैंने ऑप्शन बोले उसके बाद ऑप्शनों को मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, उसके बाद सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हो आई होप आप सब श्योर है कि कुछ हिंदी वाले होंगे उन्हें ये प्रॉब्लम होगी कि सर आप इंग्लिश से क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हें ये प्रॉब्लम होगी सर हम हिंदी से आप मुझे हमें क्यों बता रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगे। तो बेटा देखो सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है, मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, मैं दोनों के लिए बराबर मेहनत करना चाह रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट अ हाइट। देखिए हम क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, मगर मैंने सबका एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट द हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, लैंडफिलिंग या श्रेडिंग। हिंदी में बात की जाए तो नगरीय ठोस अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भस्मीकरण, खाद बनाना, भूमि फाइलिंग करना, कतरन करना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर किसके साथ जाएगा आप लोग को आंसर लिख लेना अपनी कॉपी में पहले, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए क्या होगा, भस्मीकरण। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए द इंसिनरेशन इज द मोस्ट सैनिटरी मेथड ऑफ डिस्पोजल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, द सॉलिड वेस्ट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्या होती है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसके पहले हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में जो आंसर होगा इसका क्या होगा, भस्मीकरण होगा, क्या होगा, भस्मीकरण। हिंदी में एक्सप्लेन की बात की जाए तो स्पष्टीकरण, भस्मीकरण नगरपालिका ठोस अवशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठोस अवशेष उच्च ऊष्मीय मान का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैं ऑप्शन जब तक बोलूंगा तब तक आप लोग ये सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पॉलीथिलीन बैग्स, सिंथेटिक फाइबर, फूड वेस्ट एंड पेपर। इन हिंदी वी आर एक्सप्लेनिंग द निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नीकरण के अवशिष्ट है, पॉलीथिन बैग, सिंथेटिक फाइबर, खाद अवशिष्ट या कागज। चलिए आंसर बताइए इसका, सेकेंड का आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड का आंसर में होगा कि कौन सा आपका जैव निम्नीकरण वेस्ट में अंतर्गत आता है। तो इसका तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर क्या होगा, फूड वेस्ट, या इसी को कहते हैं खाद अवशिष्ट, खाद अवशिष्ट। आप एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया है कि पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर, जो आपके पॉलीथीन बैग होते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो कि बेटा कलर थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि रेड ऑलरेडी है इसमें, तो हम थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं। ओके चलिए चलिए, तो क्या कह रहा है, सिंथेटिक फाइबर हो गया, पेपर आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेयर आर द फूड वेस्ट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मीन्स कि सर ये सब क्या है आपकी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज सब क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक
ठीक है, हम एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि हम तीनों यूनिट का रिवीजन है कर रहे हैं एक प्रकार से विद एक्सप्लेनेशन। इन हिंदी में बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा खाद अपशिष्ट, पॉलीथिन बैग और सिंथेटिक फाइबर का आपके गैर बायोडिग्रेडेबल या गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, और जबकि खाद अपशिष्ट निम्नीकरण में आते हैं जैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन विच मेथड ऑफ डिस्पोजल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डंप्ड इन द सॉइल। ऑप्शन है इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग या श्रेडिंग। हिंदी में बात की जाए तो नगर पालिका में ठोस कचड़े के निपटान की किस विधि में कचड़े की मिट्टी में कचड़े को मिट्टी में डाला जाता है, भस्मीकरण, खाद बनाना, भूमि फैली या कतरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका आंसर, राइट आंसर आंसर नंबर सी, लैंड फिलिंग, भूमि में दबाना। तो क्या होगा, लैंड फिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर द सॉइल द यूजुअली डन लाया बाय द एरिया प्रिवेंट द अनहाइजेनिक कंडीशन। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, व्याख्या, भूमि भूमि भरना मिट्टी के नीचे ठोस अवशेष के निपटान की एक प्रक्रिया होती है, ये आमतौर पर निचले इलाकों में किया जाता है अस्वच्छ स्थितियों को रोकने के लिए क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाई लैंड फिलिंग। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है आपके, ऑप्शन दे रहा है इकोनॉमिकल मेथड, प्रिफर्ड इन लॉ, सॉरी लॉ लाइंग एरिया, फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस या सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। इन हिंदी में अगर हम बात की जाए तो पूछ रहा है कि भूमि भराव द्वारा कचरे के निपटान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, किफायती तरीका है, निचले इलाकों में पसंद किया जाता है, दुर्गंध युक्त, तो गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं, विभिन्न प्रकार के कचड़ों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक्सप्लेन आपको दे दिया गया है, यहाँ से आप आराम से देखो बेटा, एक्सप्लेन आपको दिया गया है, आप एक्सप्लेन को आसानी से उसको रीड करेंगे, समझेंगे कि क्यों हुआ कैसे हुआ। ठीक है, मैं सभी का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैंने करने बैठा तो मेरा टाइम आपके एक्सप्लेन में चला जाएगा, एक्सप्लेन आपको सेल्फ से पढ़ना है, मैंने ऐड जरूर कर दिया आपके इजी वे के लिए। जैसे इसमें दिया है लैंडफिल गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डंपिंग ऑफ द वेस्ट, दे आर फॉल स्मेलिंग क्रिएटिंग द अनहाइजेनिक कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसका आंसर इन हिंदी में बात की जाए तो दुर्गंध गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस इन द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज 100 kg/m, 450, 700 kg/m³ या 100 kg/m³। ठीक है, पर केजी है बेटा, यहाँ पर लगा डिवाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सभी जानते हैं, रिपीटेड हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, जब रेंज की बात की जाए तो इसमें जो रेंज होगा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का वो 700 to 850 kg/m³ होगा, क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। हिंदी में पूछा जाए तो नगर पालिका ठोस अवशिष्ट में उत्पन्न राख का घनत्व कितना होता है, तो 700 होता है, जो कि अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोस्टिंग सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सॉलिड वेस्ट बाई अर्थ वॉर्म्स इज कॉल्ड, लैंडफिल, श्रेडिंग, वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग। हिंदी में बात की जाए पढ़ने का तो केचुए द्वारा जैव निम्नीकरण ठोस अवशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंडफिल, कतरन, वर्मी कंपोस्टिंग या खाद बनाना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय द अर्थ वर्म्स इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहलाएगी, वह वर्मी कंपोस्टिंग कहलाएगी। हिंदी में भी देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, केचुए द्वारा जैव निम्नीकरण ठोस को अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या, खाद, कृमि खाद। क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन कॉटन मिल्स। अगर बेटा आपके स्पीड तेज लग रही हो तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, आप स्लो कर सकते हो, अगर स्लो लग रही हो तो आप फास्ट कर सकते हो। ठीक है, द वेस्ट प्रोड्यूस इन अ कॉटन मिल आर द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट या नॉन हैजार्डस वेस्ट। तो इसका हिंदी में देखा जाए, कपास मिलों में उत्पादित अपशिष्ट कैसा होता है, नगर ठोस अपशिष्ट होता है, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, खतरनाक अपशिष्ट होता है कि गैर खतरनाक अपशिष्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, नॉन हैजार्डस वेस्ट होता है। क्या हो जाता है, नॉन हैजार्डस। अगर आप एक्सप्लेन चाहते हैं तो एक्सप्लेन आपको यहाँ पे दिया, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हिंदी में भी दिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन फिलिंग मेथड, बैंगलोर मेथड, एरिया मेथड, डिप्रेशन मेथड या ट्रेंच मेथड। इनमें हिंदी में बात की जाए तो इनमें से कौन सा लैंड फिलिंग विधि नहीं है, बैंगलोर विधि, क्षेत्र विधि, अवसाद विधि या खाई विधि। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आंसर नंबर 8, 8 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ चला जाएगा, बैंगलोर मेथड।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? बैंगलोर मेथड। आप यहाँ पे एक्सप्लेन देख सकते हैं कि बैंगलोर मेथड इज द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वेयर एज एरिया आर डिप्रेशन एंड ट्रेंच मेथड। देखो याद रखना, बैंगलोर मेथड किसके लिए यूज हो रहा है? कंपोस्टिंग के लिए। उसके अलावा कह रहा है कि बाकी जो आपके एरिया मेथड, डिप्रेशन एंड ट्रेंच मेथड, ये सब लैंड फिलिंग के लिए यूज होते हैं। देखो बेटा बहुत ही अच्छा डिफरेंस। सब बैंगलोर मेथड किससे रिलेट करेगा? सीधे सीधे कंपोस्टिंग से। और जो आपका डिप्रेशन और ट्रेंच मेथड है वो किससे रिलेट करेगा आपका? सीधे लैंड फिलिंग से। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी यही एक्सप्लेन है आपको। बैंगलोर खाद बनाने की एक विधि है जो जबकि क्षेत्र अवसाद और खाई विधि भूमि में भरने की विधि है। देखिए बेटा आप ये मान लीजिए कि पूरे यूट्यूब में, मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, सभी अच्छे हैं, मैं किसी को बुराई नहीं करता ना कभी करना चाहूँगा, मगर आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको वो सब प्रोवाइड हो पा रहा है जो तीन चार वीडियो में लोग अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करना है जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इज अ लिक्विड दैट पासिस थ्रू द सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। तो ये क्या होगा? लिचेट होगा, स्लज होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा कि म्यूनिसिपल वेस्ट होगा? हिंदी में बात की जाए, एक तरल है जो ठोस अवशेष से बाहर गुजरता है और उसमें से निलंबित अशुद्धियों को निकालता है, क्या कहलाता है? लीचेट, कीचड़, आशुद्ध जल या नगर अवशिष्ट? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा लीचेट। अब मैंने अच्छे से बता चुका हूँ लीचेट क्या होता है, तो यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है, फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पॉज करके इस चीज़ को लिख सकते हैं या समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और हिंदी वाले भी स्टूडेंट परेशान ना हो, हिंदी से भी लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? रेडियो एक्टिव वेस्ट, सब्सटेंस एसेस, फूड वेस्ट या आपका रबिश? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा? हिंदी में बात कर लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका ठोस अवशिष्ट नहीं है? रेडियो धर्मी पदार्थ, रा खाद या बकवास? नहीं है यहाँ पे, बकवास नहीं है, या रबिश का मतलब बकवास दे दिया, रबिश का मतलब खाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को छोड़ के बाकी सब क्या आपके सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी दिया मैंने कि सर जो रबिस, फूड वेस्ट एंड फूड वेस्ट आर द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एंड वेयर आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर द इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन, देखो बेटा ये एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। सर वो तो ठीक है कि आपने बताया कि रबिस, फूड वेस्ट और फूड वेस्ट ऑल ओवर सब क्या आ जाते हैं आपके म्यूनसिपल सॉलिड, तो फिर ये रेडियो एक्टिव वेस्ट किस में आता? तो ये आता बेटा आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट में, ठीक है? ये रहा आंसर। इन हिंदी में बात की जाए तो वही चीज़ आपको हिंदी में दे दी गई पूरी, ठीक है, समझने के लिए। तो हिंदी वाले विद्यार्थी भी परेशान ना हो, हिंदी में समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ दी है वही। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाई द बैक्टीरिया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एसिड, फूड एंड रबिश। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 11 का राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ, फूड वेस्ट के साथ डिकम्पोज होते हैं आपके, ठीक है? हिंदी में बात की जाए तो इसमें आपका खाद अपशिष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जाता है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आपको दिया ही है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ये पूरा दिए। खाद अपशिष्ट जीवाणुओं द्वारा विघटित किया जाता है क्योंकि वे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, जबकि राख, खाद, कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ अ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल श्रेडिंग कहलाता, पोलराइजेशन कहलाता, कंपोस्टिंग कहलाता? हिंदी में कह रहा है कि नगर पालिका ठोस कचरे को काटना फाड़ना क्या कहलाता है? तो ये चूर्णीकरण कहलाता है, कतरन कहलाता है, भूमि भरण कहलाता है कि खाद बनाना कर? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्या कहते हैं बेटा उसे? श्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेडिंग। हिंदी में अगर बात की जाए तो कतरन, क्या बोलते हैं? कतरन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन मैं यहाँ पे थोड़ा इसलिए रोक रहा हूँ ताकि आप पॉज करके आराम से पढ़ सके एक्सप्लेन क्या है इन दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ अ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कॉल्ड लैंडफिल श्रेडिंग पोलराइजेशन कंपोस्टिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या कहलाती है? भूमि कतरन, सॉरी भूमि भरण, कतरन, पोलराइजेशन या खाद बनाना? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, जिस आंसर नंबर सी क्या आ रहा है आपका? पोलराइजेशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चालू करते हैं, हमें स्पीड से करना, हमें जल्दी जल्दी करना। देखो बेटा एक्सप्लेनेशन में मैं ऑलरेडी आपको टाइम थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे पॉज करके आप खुद इसको समझ सकें कि हाँ ये क्यों हुआ है इसका, ठीक है? ताकि मेरा टाइम बचेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूंगा।
इन विच ऑफ मेथड कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन एंड एनारोबिक वेस्ट टेक प्लेस, इंडियन मेथड, डिप्रेशन मेथड, बैंगलोर मेथड या ट्रेंच मेथड। हिंदी में बात की जाए तो अवव्ययी कचरा कचड़े का अपघटन खाद बनाने की किस विधि में होता है, भारतीय विधि, अवसाद विधि, बैंगलोर विधि, खाई विधि। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, क्या है, बैंगलोर मेथड के साथ। किसके साथ जाएगा, बैंगलोर मेथड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगलोर मेथड, वही हिंदी में भी। अब बात करते हैं एक्सप्लेन की, तो मैंने पॉज कर दिया, यहाँ पर रेड कलर से एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बात करें हिंदी वाले को, हिंदी वाले के लिए हिंदी में एक्सप्लेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल, श्रेडिंग, पोलराइजेशन, कंपोस्टिंग। क्या कह रहा है, म्युनिसिपल बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो क्या हो सकता है, लैंडफिल हो सकता है, शेडिंग हो सकता है, पोलराइजेशन या कंपोस्टिंग। हिंदी में बात की जाए तो निम्नलिखित में से नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की जैविक विधि क्या है, भूमिभरण है, कतरन है, चूर्णीकरण है, खाद बनाना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ चला जाएगा, आंसर आप ही बताइए क्या होगा, आप कुछ बचे नहीं है, कंपोस्टिंग बस बचा है, बाकी सब तो हम ऊपर ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खाद बनाना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में बात की जाए तो खाद बनाना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो ये रहा इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से, और यहाँ पे ये रहा आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, विच वाज द फर्स्ट सिटी टू एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल। तो इसका तो बेटा आप लोग जानते हो ऑलरेडी, इसमें कुछ पढ़ने लग नहीं, एथेंस इज द राइट आंसर, हिंदी में भी एथेंस ही लिखा होगा। क्लेरिफिकेशन के लिए आप देख लीजिए, एंशियंट सिटी द फूड स्क्रैप एंड द अदर वेस्ट वर द सिंप्लीफाइड थ्रोन इन टू द अपेव्ड स्ट्रीट, मतलब जो रोड वगैरह होती थी या जो पहले कच्ची रोड होते उसमें फेंक दिए जाते थे, ठीक है। ये बात आपकी है अराउंड 320 BC की, ठीक है। इसी को हिंदी में बता दिया गया है, हिंदी वाले हिंदी से बढ़िया पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने सब कुछ दे दिया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। अगर आपने पढ़ लिया एक बार मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, इस पे सेट को ये समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग को एक बार पढ़ लेना है बस, और नोट करते जाना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 17 क्या कह रहा है, वाई बर्निंग वेस्ट इज ऑन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज वे। अच्छा देखो, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, बोलता हूँ तो ज़्यादा एनर्जी जा रही है, मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा, बस हिंदी इंग्लिश से पढ़ता जा रहा हूँ। दूसरा क्या है, हिंदी में बात की जाए, कचरा जलाने का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकार प्रथा क्यों नहीं है, ठीक है। इसमें से आप पढ़ लीजिए कौन सा आंसर होगा, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ेंगे। ये रहा इंग्लिश वाला, पहले इंग्लिश वाले देख लें, ठीक है, ये इंग्लिश वाले हो गए। उसके बाद हिंदी वाले भी एक बार चेक करेंगे क्या है, और उसके बाद आंसर बताया जाए इसका, क्या होगा आंसर नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। एक्सप्लेन की बात की जाए तो बर्निंग वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ लुक एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोस्पेक्टिव, बर्निंग वेस्ट क्रिएटेड द लॉट्स ऑफ द पॉल्यूशन एंड हार्मफुल टू बोथ एनवायरमेंट एंड एज वेल एज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हिंदी में बात की जाए तो स्पष्टीकरण, कचरे को जलाने के अनिवार्य स्वीकार प्रथा नहीं है, क्योंकि हम पर्यावरण और स्वास्थ्य को देखे संभावित रूप से जलने वाला कचरा बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करता है और पर्यावरण के साथ ही दोनों के हानिकारक होता है दोनों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट प्लान शुड वी मेक टू द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो कौन सा प्लान सबसे बढ़िया रहता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। देखिए जो एक्सप्लेनेशन उसे मत देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देख लिए तो फिर सोल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। ये रहा, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में भी एक बार दिखाई दे रहा हूँ ताकि हिंदी वाले भी पढ़ लें क्वेश्चन। तो ठोस कचरे के निपटान के लिए हमें क्या योजना बनानी चाहिए, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आप इसको देख लीजिए क्या ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। चलिए हिंदी में आप जान गए होंगे आंसर नंबर ए, एकीकृत अपशिष्ट योग प्रबंधन योजना। चलिए ये इससे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं रोके दे रहा हूँ, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, दिस इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द मेथड ऑफ द, किस क्या क्या मेथड होते हैं इसमें, कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है, रिसोर्स रिकवरी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है, क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ हिंदी में दे दी गई है, आप आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती पढ़ने में।
19 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। द टर्म्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैजार्डस, टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस या नॉन टॉक्सिक। हिंदी में बात की जाए तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार के ठोस कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है, खतरनाक, विषाक्त, गैर खतरनाक या गैर विषैले, विषैले सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, 19 का राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ, किसके आते हैं, एक मिनट, कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो नॉन हैजार्डस, किस में आ जाता है, नॉन, आ खतरनाक, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं आपको उसमें, ठीक है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, सी, सी आंसर इज द राइट, ठीक। देखिए इसमें आना ना, ये देखिए लिखा ना, आप देख लीजिए, देखिए कंफ्यूजन हो तो क्लेरिफिकेशन में देख लेंगे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द मोस्ट ऑफ द नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट, क्या आते हैं, किसके अंदर, नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, ये रहा हिंदी से, ये रहा हिंदी से एक्सप्लेनेशन। ओके चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाउ मेनी मेन कंपोनेंट आर देयर इन द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्री होते हैं, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, कितने मुख्य घटक होते हैं, तीन होते हैं। 21 द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। हिंदी में बात की जाए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है, सामग्री होती है, तो क्या ये सही है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये यहाँ पे आपका ये है, इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलिए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन एन, एक मिनट, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल या बर्निंग। हिंदी में देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर कौन एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता है, तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर 22 का क्या होना चाहिए आंसर, तो इसका जो मेन आंसर है वह है सोर्स रिडक्शन, क्या है आपका, सोर्स रिडक्शन, सोर्स रिडक्शन इज द राइट आंसर। एक मिनट चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मैनी टाइम, प्लास्टिक, वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल, एल्यूमिनियम, किसको कई बार रिसाइकल किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आंसर नंबर, किसके, पहले हिंदी से भी तो पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में किसका कोई कई बार पुनः चक्रण किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा आंसर नंबर सी, डी के साथ, डी, एल्यूमिनियम। एक्सप्लेनेशन आपके साथ ही है, आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन, ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी में आपको सब जगह बताया हुआ है, ये हिंदी से है एक्सप्लेनेशन, हिंदी से आप लोग पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो रिसाइकलिंग रीयूजिंग द सम कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट, सम इकोनॉमिकल वैल्यू, द एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल मैनी टाइम, द माइनिंग न्यू एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव, हेंस द रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम प्लेज एज द सफिशियंट रोल इन द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो आपने जो एल्यूमिनियम यूज होता है वायर वगैरह, तो आप उसे कई बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, हम बार बार उसे खरीद नहीं सकते, ठीक है, वही चीज़ हिंदी में लिखी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई मुझे लगता है कि हो जाने चाहिए, काफ़ी हद तक क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 50 तक का तो टारगेट रखा ही है, भले 50 आपके सेकेंड पार्ट में प्रोवाइड करूँ मैं। वाई प्लास्टिक आर डिफिकल्ट टू रिसाइकिल, ठीक है, हिंदी में देखा जाए तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्यों मुश्किल है, तो पहले इंग्लिश से आप लोग देख लीजिए, बिकॉज इट्स ए हार्ड मटेरियल, बिकॉज ए वेरी एडहेसिव, बिकॉज ए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजेंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हिंदी में है रहा, ये इंग्लिश में रहा, पहले आंसर बताएंगे फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए सर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजेंस, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे गिवेन है, और ये रहा आपके हिंदी वालों के लिए एक्सप्लेनेशन। मेरा एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें बेटा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, क्योंकि मैंने आपके लिए ही ये सब ऐड किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
हाउ मैनी की आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूनिसिपल सैनिटरी लैंडफिल देयर आर। हिंदी में पढ़ेंगे, नगर पालिका सैनिटरी लैंडफिल में कितनी मुख्य विशेषताएं हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं कि चार हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएंगे, कितनी हैं? थ्री हैं। ओके, क्लियर हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। कह रहा था थ्री के ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड सैनिटरी लैंडफिल डिस्टिंग्विश इन फॉर्म एन ओपन डंप ऑफ अ सॉलिड वेस्ट इज प्लेस्ड इन अ सुटेबली सिलेक्टेड बाय द प्रिपेयर्ड लैंडफिल साइट। ठीक है, द वेस्ट ऑफ द मटेरियल स्प्रेड आउट एंड कॉम्पैक्टेड विद अप्रोप्रिएट हैवी मशीनरी। ओके, तो देखिए इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। पहला हो गया ये आपका सॉलिड वेस्ट प्रिपेयर्ड लैंडफिल साइट, द वेस्ट ऑफ द मटेरियल स्प्रेड आउट एंड कॉम्पैक्टेड द अप्रोप्रिएट हैवी मशीनरी, एंड थर्ड वाला द वेस्ट इज कवर्ड ईच डे विद अ लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। हिंदी में आप अच्छे से समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन की स्पष्टीकरण नगर पालिका सैनिटरी लैंडफिल की तीन विशेषताएं हैं। ठोस अपशिष्ट को उपयुक्त से चयनित कर और उसे लैंडफिल में रखा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ उपयुक्त तो भारी मशीनरी के साथ फैला हुआ और जमा हुआ होता है। कचड़े के प्रत्येक दिन एक परत के साथ कवर किया जाता है, जिससे जमी हुई मिट्टी से कवर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉलिड वेस्ट विल बी डिकम्पोज बाई एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाई फ्लो ऑफ वाटर, बाई द सॉइल पार्टिकल। इन हिंदी में बात की जाए तो दबे हुए ठोस कचड़े में कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होगा? ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, या पानी के प्रवाह से, या मिट्टी के कणों से? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, 26 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। इसके पहले ही आपको आंसर लिख लेना है, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और हिंदी वाले हिंदी से समझेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी वालों के लिए ऐड नहीं किया, हिंदी वाले हिंदी से समझेंगे। ये रहा, ठीक है, 2 मिनट का देता हूँ ताकि पॉज कर लीजिए, फिर आसानी से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, कह के एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, कह के एक्सप्लेनेशन से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ प्रॉपरली डिजाइन फर्नेस अंडर द सुटेबल टेम्परेचर एंड द ऑपरेटिंग कंडीशन। क्या कहलाएगा, लैंडफिल होगा, रिसाइकलिंग होगा, वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे, कैंसिनरेशन? हिंदी में बात की जाए तो नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को उचित रूप में डिजाइन की गई भट्टी में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों के तहत लैंडफिल, पुनर्चक्रण, वर्मी कंपोस्ट, या भस्मीकरण? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, क्या जाए होना चाहिए आपके अनुसार, तो आप समझ गए होंगे, जलाने वलाने की बात की जा रही है, तो आपका भस्मीकरण या इंसिनरेशन होगा। ये रहा आपका इंसिनरेशन की पूरी डिफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको समझने के लिए इन इंग्लिश में, और ये रहा आपका हिंदी में विद एग्जाम्पल, विद समझने के लिए पूरा का पूरा आपका दहनशीलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई द रिसाइकल पेपर इज बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर? बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएट कंटेमिनेशन, बिकॉज इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ स्पेस, बिकॉज द पेपर कैन बी यूज ओनली वन टाइम, बिकॉज द पेपर इज वेरी थिक एंड कांट कवर द फूड कंटेनर्स। ठीक है, इन हिंदी में बात की जाए तो खाद कंटेनरों को उपयोग के लिए पुनः नवीनीकरण कागज में प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये संदूषण पैदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्थान बनाते हैं, क्योंकि ये कागज के उपयोग एक बार किया जा सकता है, क्योंकि कागज बहुत मोटा होता है और खाद कंटेनरों को ढक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसके राइट आंसर की बात की जाए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और लिख भी लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है मैच करिएगा, पहला ऑप्शन इज द राइट, पहला ऑप्शन राइट है इसका, क्या होगा, कंटामिनेशन, एंड हिंदी में बात की जाए कि संदूषण पैदा करता है। चलिए बेटा, चलिए किसी तरह हम लोगों ने आई थिंक 30 तक तो आ ही गए हैं, चलिए धीरे धीरे और भी हो जाएंगे। द लैंडफिल इज एन द इकोनॉमिकल, ओके 1 मिनट, एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैंने टाइम ही नहीं दिया, 1 मिनट 1 मिनट। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, ये लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे दिए है, ये चीज़ को आपको अंडरलाइन कर लेना है कि द कलेक्शन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग काउंट अबाउट द 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर रिसाइकलिंग। ओके, इन हिंदी में आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपके हिंदी के लिए दिया है, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो चीज़ों को पढ़ और लर्न ना कर सके। ठीक है, ये लीजिए आपका हिंदी, चलिए
क्वेश्चन नंबर 29, द लैंड फिलिंग इज एन द इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव। अच्छा देखिए, जो इंग्लिश मीडियम से वो ये ना सोचे कि सर हम हिंदी समझ नहीं सकते, कभी कभी चीज़ें हिंदी में भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो हिंदी में होती है बेटा ये भी ये सोचिए कि इंग्लिश में नहीं आती। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आती मगर इंग्लिश में समझ में आ जाती हैं, ठीक है। लैंड फिल इज एन इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव फॉर द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईजिली, ट्रू और फॉल्स। हिंदी में बात कीजिए, ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए भूमि भराव एक आर्थिक विकल्प है, इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। आप इसमें तथ्य दीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ राइट। क्या है? राइट। क्या है इसका आंसर? राइट है ए पार्ट। क्लेरिफिकेशन आपको गिवन है बेटा, इसे आसानी से पढ़ेंगे, पॉज कर लेंगे, आसानी से पढ़ेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी उसे लिखते जाएंगे, ठीक है। लिखते भी जाएंगे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए, ये हिंदी से आपको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनडिजायरेबल एंड वेस्ट मटेरियल इज नाइदर गैस और लिक्विड। मतलब इनमें से कौन सा होता है ना ही, मतलब ना ही मटेरियल इज नाइदर गैस और लिक्विड, ना ही गैस होती है ना लिक्विड होती है। इन हिंदी में बात की जाए मिले कौन सा अवांछनीय अवशिष्ट पदार्थ ना तो गैस है ना तो तरल है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप बताइए, आपने लिख लिया होगा, मैच करिएगा। आंसर इज डी, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ठोस अवशिष्ट क्या होना चाहिए इसमें? ठोस अवशिष्ट इन हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिए है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है? सॉलिड वेस्ट लाइक अ मेटल स्क्रैप, फूड वेस्ट एंड द रॉक लीव्स, सीवेज, एनिमल मैन्योर आर प्रेफर्ड एज अनवांटेड वेस्ट ऑफ मटेरियल। डेट इज नॉट बी ए गैस एंड लिक्विड। मतलब जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है ना, हम उसे कह सकते हैं कि ये सूखा, मतलब ये ठोस है, और ना ही हम उसे ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लिक्विड है, वो मिक्सअप रहता है लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है। इसलिए चलिए, ये यही चीज़ आपको हिंदी से यहाँ पर समझाई जा रही है। हिंदी से देखिए यहाँ पर चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिए है ठोस अवशिष्ट के लिए किया जाता है, पशु खाद अवांछनीय संदर्भित के लिए, और गैस तरल अवस्था में नहीं होता, आणविक ऑक्सीजन और तरल अवशिष्ट और जल अवशिष्ट के ठोस नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैटेगराइज्ड एज हैजार्डस वेस्ट, गार्बेज, इंडस्ट्री वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट। हिंदी में बात की जाए, निम्नलिखित में किसे खतरनाक कचरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आई होप आप लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया होगा। राइट आंसर क्या है? ए, क्योंकि नॉट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता है, तो आपको अच्छे से पता है ये सब क्या होते हैं, आपके किसके आते हैं अंतर्गत, हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ओके। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन क्यों आता है, क्योंकि गार्बेज में आपके जनरली कुकिंग वाले आ जाते हैं, स्टोरेज ऑफ अदर फूड आइटम्स आ जाते हैं जो कि हैजार्डस नहीं होते, इसलिए उनको उस श्रेणी में नहीं रखा है। बल्कि हैजार्डस में किसको किसको रखा गया? इंडस्ट्री वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट, ये सब किसके? बायो हजार्ड्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, तो ये हैजार्डस में अंतर्गत रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्या होगा? इसका जो राइट आंसर था क्या था आपका? ए, या हिंदी में इसी को बोलते हैं कचड़ा, ठीक है, हिंदी में कचड़ा। और ये रहा आपका हिंदी से एक्सप्लेनेशन इसी क्वेश्चन का जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हिंदी से पूरा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्पोजल ऑफ द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रू है फॉल्स है? डिस्पोजल होगा इनिशियल स्टेज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रू है फॉल्स? हिंदी में पढ़ें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान निपटान प्रारंभिक चरण होता है, सत्य है कि असत्य है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा। अब क्यों फॉल्स होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है डिस्पोजल यूजुअली डन इन ऑफ द, यह बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, हमने कलेक्शन किया नहीं, हम डिस्पोजल कैसे कर देंगे? सिंपल सी बात है ना, पहले कलेक्शन करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम उसको रिसाइकलिंग करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, फिर लैंड फिलिंग करते हैं या डिस्पोजल करते हैं, लास्ट वाला प्रोसेस। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है आपका? लास्ट प्रोसेस, जो लास्ट में होता है ड्यूरिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये चीज़ हिंदी में भी वही चीज़ आपको लिखी होगी कि स्पष्टीकरण निपटान आमतौर में अंत में किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे ठोस के प्रारंभिक चरणों में नहीं लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मतलब इनमें से कह रहा कि जो कौन सा ऐसा है जो दोनों में आता था, सीवेज स्लज, लिक्विड क्रिस्टलाइन, नेचुरल गैस या सेमी क्रिस्टलाइन। अब ये आगे के टॉपिक का क्वेश्चन है, मगर मैं आपको, आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए कि निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों, मतलब जो
इनऑर्गेनिक और कार्बनिक भी है, अकार्बनिक भी है, इन दोनों में से क्या हो, मतलब दोनों हैं, क्या होगा आपका, ये आपका होता है बेटा सीवेज स्लग। सीवेज स्लज वगैरह जो आपके हाउसेस से जो नाइट सॉइल वगैरह के फॉर्म में जो स्लज निकलता है वही सब है, जो वाश बेसिन से जो आपका निकलता है, नाले से निकलता है वो सब। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ये आपके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, लिक्विड, तो अभी आप आंसर याद रखिए, आंसर क्या है आपका, सॉलिड स्लज है, सीवेज स्लज है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेन दिए है, यहाँ पे थोड़ा कलर होना बंद हो गया था तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, क्या कि देखो अभी हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो जब हम यूनिट में करेंगे तो हमें चीज़ें रिकॉल होंगी, हाँ हमने वहाँ पे क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमें सीवेज स्लज मिला था। तो देखिए सीवेज स्लज क्या होता है, सीवेज स्लज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट फेसेस एंड यूजुअली स्टिकी एंड द पैथोजेंस, क्या होते हैं स्टिकी एंड पैथोजेंस होते हैं, सो इट इज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि स्टिकी और पैथोजेंस ये दोनों में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक के पार्ट होते हैं, और चूंकि ये दोनों ही इसमें होते हैं इसलिए इसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। वेयर एज, अब बात करते हैं, देखो ये बात कर रहे थे सॉलिड, अगर हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन के, तो लिक्विड क्रिस्टलाइन या सेमी क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर होते हैं, इट कैन बी एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स ऑफ हीट, तो कब एक्टिवेट होते हैं, जब इन्हें हीट मिलती है, लाइट मिलती है या इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है तब, हेंस इट इज नॉट एन इनऑर्गेनिक, इसलिए ना ही इट इज नॉट एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ओके, एंड द नेचुरल गैस यूजुअली हाइड्रोकार्बन विच इज नॉन रिन्यूएबल, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन। इसी को हिंदी में कहा गया बेटा कि स्पष्टीकरण, सीवेज कीचड़ प्राथमिक और माध्यमिक उपचार चरणों के दौरान उत्पन्न होता है, आमतौर पर होता है, ये चिपचिपा और रोगजनक होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों के शरीर में रखा गया है। बाकी अब हिंदी से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ओडोर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर, फायर, डिसेंट्री, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ठोस अवशिष्ट के गलत प्रबंधन का परिणाम नहीं है, गंध, चीनी का हाइड्रोलिसिस, आग या पेचे, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर 34 का, इसका राइट आंसर होगा बी। अब बात कर लेते हैं कि सर ये क्यों नहीं मिसहैंडलिंग करेगा, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैंने आपके सामने रखा है और आज हम इसको पढ़ेंगे जरूर। तो मिसहैंडलिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट कैन बी लीड टू फायर फ्रॉम द एसेस, ओके, व्हेन एडेड द कंबस्टिबल रिफ्यूज डिसेंट्री लाइक अ, क्या है, बेसिलरी डिसेंट्री, एमीबा डिसेंट्री फ्रॉम द ह्यूमन फीकल मैटर स्प्रेड बाय द फ्लीज ऑफ फूड एंड वाटर, ऑर्डर ड्यू टू रोटिंग ऑफ गार्बेज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर इज नॉट एन रिजल्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, इसलिए यू नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे। हिंदी में बात की जाए तो स्पष्टीकरण, ठोस कचरे गलत प्रबंधन दहनशील कचड़े में डालने पर राख के राख राख से आग का कारण बन सकता है, पेचिस जैसे बिस्लरी पेचिस, मानवमल, अमीबा पेचिस, मक्खियों द्वारा भोजन में फैलता है और कचड़े के सड़ने से पानी, गंध, लेकिन चीनी के हाइड्रोलिसिस में ठोस प्रबंधन का परिणाम ये नहीं होता, इसलिए उसे यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजुअल पॉल्यूशन, ओके, क्या है विजुअल पॉल्यूशन, हिंदी में बात की जाने मिली तो एक दृश्य प्रदूषण कौन सा होता है, इनसाइटफुलनेस ऑफ पाइल्स ऑफ गार्बेज, मैशिंग विद एडहेसिव, मैशिंग विद फाइबर्स, फ्लावर्स, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ, किसके साथ जाएगा, इनसाइटफुलनेस पाइल्स ऑफ गार्बेज, हिंदी में बात की जाए तो कचड़े के ढेर से की अंतर्दृष्टि में। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं, कह रहा है इनसाइटफुलनेस ऑफ द पाइल्स ऑफ गार्बेज विच अफेंड द एस्थेटिक फीलिंग इज द रेफर्ड टू एज विजुअल पॉल्यूशन, ओके, तो कैसा देता है, एस्थेटिक फीलिंग देता है इन विजुअल पॉल्यूशन, वेयर आर द मैसिंग, मैसिंग और एडहेसिव फाइबर क्या कहते हैं, नॉट रिलेटेड टू विजुअल पॉल्यूशन, ये भी याद रखेंगे, एंड फ्लोर फ्लावर इज, फ्लावर्स आर फाइन लुकिंग मत वॉच। ठीक है, यही चीज हिंदी से भी दी है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं हिंदी से भी। ठीक है, 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल, कौन सा मेथड आपका वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज नहीं होता, डंपिंग, गैसिफिकेशन, इंसिनरेशन, ओपन सी डिस्पोजल, या कि अपशिष्ट निपटान में निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, डंपिंग, गैसीकरण, भस्मीकरण या खुला समुद्र निपटान, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि खुले में नहीं फेंकना है, सो ओपन सी डिस्पोजल हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सब मेथड सही है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इजी क्वेश्चन था, आप इसे सेल्फ से पढ़ लेंगे।
और ये रहा आपके हिंदी वालों के एक्सप्लेनेशन, ये हिंदी से, इसे आप हिंदी से भी कवर करेंगे, ठीक है। समझ लीजिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दे दी है, और इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, मगर मैं चाह रहा था कि इस बार ऐसा कुछ दिया जाए कि आप लोग बिल्कुल, मतलब आप कहीं भी नहीं जाना पड़े, मतलब आपको बस लगे कि हाँ मैं इतना ही पढ़ लूंगा तो बहुत है मेरे लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल रिलीज ऑफ द बायोगैस इन इन्वायरमेंट। ओके, बायोडिक बायो के हिंदी से पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में बायोगैस की प्राकृतिक रिहाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, पहले इंग्लिश के ऑप्शन, बायो के क्या है, बायोकेमिकल साइकिल, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, एफोरेस्टेशन या डिफोरेस्टेशन, ये सब आगे के पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप आ गया क्वेश्चन, तो बस आंसर देखते हैं क्या है। जैव भू रासायनिक वक्र, पर्यावरण प्रदूषण, वन रोपण, वनों की कटाई। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, अगर आप दे सकते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बायो केमिकल साइकिल। चलिए, एक्सप्लेन की बात की जाए तो थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि नया टॉपिक है। द नेचर रिलीजेज ऑफ बायोगैस इन द एनवायरमेंट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मैथोजेंस, मैथोजेंस के द्वारा लीड्स होता है इन क्रूशियल कंडीशन में बायो केमिकल साइकिल होती है वेयर एज, ठीक है, ये मैथोजेंस के कारण बायो साइकिल केजी होती है। और सुनिए, वेयर एज द बायोगैस डज नॉट लीव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द एनवायरमेंट पेपर, तो जो हमारी बायोगैस होती है वो हमारे एनवायरमेंट पे पोल्यूशन नहीं पहुंचाती है। एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन, तो ये आपका एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, पेड़ लगाना, पेड़ की कटाई करना, ये चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, यही चीज़ आपको हिंदी में बताई गई, आप हिंदी से भी पढ़ेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड। देखिए, बोर नहीं होना है हमें, का एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने ही है। मैं समझ चुका हूँ कि काफ़ी उसमें मिल रहा है हमें मटेरियल, तो सब कुछ तो नहीं आप लोग आज एक दिन में कर लेंगे, तो इसे दो पार्ट में कर लेते हैं। आज हम 50 तक करते हैं, और आप भी 50 तक कंप्लीट करिएगा, उसके बाद मैच करने में आप ये जरूर याद रखिएगा कि एक्सप्लेन आपको नोट करना है जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, देयर बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर टू द एनवायरमेंट। मैथोजेंस, मैगनीज, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। हिंदी में बात की जाए, निम्नलिखित में कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नीचे दिखाता है, इस मामले के स्थानांतरित करता है या वातावरण में। तो मेथेन गैस, मैगनीज, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 38 पूछ रहा है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, मेथोजेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैथोजन डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर अंडर द एनारोबिक कंडीशन, मतलब जब वायु ना हो, प्रोड्यूसिंग द नेचुरल बायोगैस, क्या प्रोड्यूस करता है, बायोगैस, वेयर एज द मैग्नीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन आर नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक, ओके। ये चीज़ हिंदी में दी है बेटा, मेथेन गैस प्राकृतिक उत्पादन वाली अवयवी स्थितियों में कार्बनिक पदार्थों को नीचे दिखा, ठीक है, बायोगैस बनाती है, जबकि अदर गैसें ये काम नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, विच आर द फॉलोइंग टेम्परेचर द ऑप्टिमम फॉर द इंसिनरेशन, भस्मीकरण के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू नॉर्मल होती है, एक पीक वैल्यू होती है, तो क्या होती है पीक वैल्यू, 900 टू 1100 डिग्री सेल्सियस। वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन में दी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, और वही चीज़ आपको हिंदी में एक्सप्लेन दी है, तो आप हिंदी भी पॉज करके आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नेक्स्ट में चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सॉलिड वेस्ट कम्बाइंड विद द ऑक्सीजन, तो कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन की जो प्रेजेंट में सॉलिड वेस्ट कम्बाइन होता है उसमें ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस विद द ऑक्सीजन, ट्रू और फॉल्स। ठोस अपशिष्ट उपस्थित कार्बन हाइड्रोजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया किससे संयोजित होती है, मतलब ऑक्सीजन से, सॉरी, संयोजित होती है, क्या यह सही है। तो ये बिल्कुल 100% श्योर है, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप ये प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिसेम्बल ऑफ रिसेम्बल द रिच टॉप सॉइल इन कॉन्टेस्ट टू सॉलिड वेस्ट कंपोस्टिंग, ह्यूमस, बेड रॉक, सब सॉइल या वेदर्ड रॉक। हिंदी बात की जाए तो निम्नलिखित में ठोस अवशिष्ट खाद के संदर्भ में समृद्धि ऊपरी मिट्टी जैसा दिखता है, ठीक है, तो क्या कौन सा है जो ऐसा दिखता है कंपोस्टिंग में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वो क्या है आपका, ह्यूमस है, ठीक है। चलिए, ये एक्स का एक्सप्लेनेशन है, मैं पॉज कर रहा हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि आप भी पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकें चीज़ों को आसानी से, यहाँ भी मैंने पॉज कर दिया है, आप इसको पढ़िए। चलिए, 7 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, बने रहिएगा, मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी
लेंदी हो रहा है, इसलिए दो पार्ट में करते हैं, 50 आज और 50 कल कर लेंगे, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट 4 का भी कुछ टॉपिक आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूं। व्हाई मिस मैनेजमेंट ऑफ बैटरी वेस्ट कैन बी हार्मफुल, टेक्सचर हैवी मेटल प्लास्टिक और डोर, ठीक है। किस कारण होती है बैटरी कचरे के कुप्रबंधक हानिकारक क्यों हो सकते हैं, किस में फॉर्म हो सकते हैं, मतलब किस फॉर्म में हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि इसमें हैवी मेटल यूज होते हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन दिए, आप इसे पढ़ लेंगे बेटा, यहाँ पे बाकी पूरा दिए है एक्सप्लेनेशन, ये आपका हिंदी से एक्सप्लेनेशन दिए है, ये आप हिंदी से इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा क्लियर, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, वाई रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, मोर कॉस्ट इफेक्टिव क्या हो सकता है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है, धातु के पुनर्चक्रण अधिक लागत प्रभावी क्यों होती है। अब देखिए ऑप्शन कैसे दिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इंक्रीजेज में होता है, इंक्रीजेड ऑपरेशन कॉस्ट होती है कि रिड्यूसिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि रिड्यूसर ऑडोर होता है। हिंदी में बात की जाए तो धातु के निष्कर्षण बढ़ जाता है, परिचालन लागत बढ़ता है, परिचालन लागत को कम करता है, गंध कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या हो जाएगा, रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये लागत को क्या करता है, कम करता है। ओके, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश में, आप देख लेंगे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद हिंदी वालों के लिए हिंदी में है एक्सप्लेनेशन, इसे पढ़िएगा पूरा और नोट भी कर लीजिएगा अगर लगे। 45, अनरिसाइकल्ड प्लास्टिक लीड्स टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस, कह रहा है कि अनरिसाइकल्ड प्लास्टिक, जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकती, वे आपके ग्रीन हाउस का कारण बनती है। पुनः नवीनीकरण प्राक्सिस से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। अब बताइए कि दोनों कथन में से ये क्या, ये कथन जो पूछा गया ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, हानिकारक होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दिए कि अनरिसाइकल प्लास्टिक लीड टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज दियर आर नॉन रिन्यूएबल प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि जितने भी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इसलिए ये ग्रीन हाउस इमिशन में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपको हिंदी से लिखी है, आप लोग हिंदी से भी पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश वाले ये मत सोचें, इंग्लिश भी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको गिवन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से लास्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं, आप परेशान ना होइए, इसके बाद क्लास ओवर कर दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लोवेस्ट चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबोरेटरी या एग्रीकल्चर पॉन्ड। हिंदी में बात की जाए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जैव चिकित्सा अवशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना सबसे कम होती है, अस्पताल में, क्लिनिक में, प्रयोगशाला में, किसी भी में। तो ये तो आपको देख के पता चल गया होगा इसका राइट आंसर, ये तीनों आपसे रिलेटेड है, बायोमेडिकल से ये नहीं रिलेट कर रहा, तो बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, एग्रीकल्चर लैंड्स। चलिए ये रहा बेटा आपका एक्सप्लेनेशन, मैं इसको थ्योरी में बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आपके हिंदी में लिखा है, इसको पूरा पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट, इनमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, एनिमल वेस्ट, माइक्रोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट। हिंदी में बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा जैव चिकित्सा अवशिष्ट नहीं है, पशु अवशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञानी अवशिष्ट, रासायनिक अवशिष्ट या घरेलू कचरा अवशिष्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा डोमेस्टिक वेस्ट के साथ, हमें भी पता चल रहा है ये तीनों आपके उसमें आते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक को छोड़ के तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट डजंट कंटेन द इन्फेक्टिव ऑर्गन एजेंट्स, ठीक है। द टोटल टोटली आर डिग्रेडेबल इन नेचर एंड बट द एनिमल वेस्ट कंटेन द एनिमल टिश्यूज ऑर्गेन्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट कंटेन द माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन वेस्ट एंड द केमिकल वेस्ट कंटेन डिस इन्फेक्ट केमिकल्स, ठीक है। ओके क्लियर हो गया, हिंदी में, हिंदी वाले पढ़ लेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, बायोमेडिकल वेस्ट आर नॉट इन्फेक्टिशियस, हिंदी में देखा है जैव चिकित्सा से संक्रामक नहीं होते, बायोमेडिकल वेस्ट क्या संक्रामक नहीं होते, बिल्कुल होते हैं संक्रामक, बिल्कुल संक्रामक होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी देख सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट द इन्फेक्टिशियस दे आर पैथोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड आर द इन्फेक्टिव द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर बाय द स्प्रेडिंग द डिजीज,
ठीक है, रियली रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पोज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली अवॉइड द फर्दर ऑफ द कंटामिनेशन कंटामिनेशन। ठीक है, वही चीज़ हिंदी से दी है बेटा, आप हिंदी से भी इस चीज़ को पढ़ लेंगे आसानी से, है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज, हमें एनर्जी बनाए रखनी है, हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज एन इंसिनरेशन वेस्ट, इंसिनरेशन एज एनिमल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड साइटोटॉक्सिक्स ड्रग। हिंदी में बात की जाए तो निम्नलिखित में से भस्मक अवशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किसे किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप, भस्म राग, पशु अवशिष्ट, ठोस अवशिष्ट, साइटोटॉक्सिक्स दवाएं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, आंसर नंबर ए, इंसिनरेशन एसेस के साथ। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्या कह रहा है, बढ़िया अच्छा कायदे का एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं क्या कह रहा है, अभी पढ़ते हैं। कह रहा है इंसिनरेशन एसेस कम्स फ्रॉम द बायोमेडिकल वेस्ट डैट बी इंसिनरेटेड, ओके इग्निटेड, ओके बर्न टू डिस्पोज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, द प्रिवेंट द फर्दर कंटामिनेशन कंटामिनेट करता बट आल्सो भी क्रिएट द इंसिनरेशन एस, तो साथ ही साथ क्या क्रिएट करता है, इंसिनरेशन एस भस्मीकरण राख, विच हैज द पोटेंशियल टू काजिंग अ डिजीज, ओके ट्रीटमेंट आर वेरी नेसेसरी। ठीक, और अ पब्लिक हेल्थ वेयर आर द एनिमल वेस्ट कंटेन द एनिमल टिश्यू वेस्ट, तो पूरा रिपीट कर दिए भाई पुरानी चीज। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होंगे। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में आपका ये भस्म राख है आंसर। अगर बात की जाए तो स्पष्टीकरण है कि भस्मीकरण राख किसी भी बायोमेडिकल कचड़े में आता है जिसे भस्म और प्रज्वलित किया जाए, बायोमेडिकल वेस्ट को जलाने के लिए जलाया, आगे संदूषण को रोकता है, लेकिन यह भी बनाता है कि भस्मीकरण है जिसमें बीमारी पैदा हो सकती है, क्या हो सकती है, बीमारी पैदा हो सकती है, इसलिए इसका उपचार बहुत अधिक आवश्यक है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जबकि पशु अवशिष्ट ऊतक अंत के लिए। इस तरह आप टोटल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा मुझे भी थकान आने लगी है इसलिए आपके लिए मैं पॉज किए दे रहा हूँ, आप लोग आराम से बेटा इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी मिक्सड विद अदर वेस्टेज टू अवॉइड द कंटामिनेशन, टैरी रिजिड्यू, ऑली स्लज, एनिमल वेस्ट एंड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इन इंग्लिश, हिंदी में बात की जाए संदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित में किसे अन्य कचड़े के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, टैरी अवशेष, तैलीय कीचड़, पशु अवशेष, वनस्पति तेल। तो 50 50 का बताइए राइट आंसर क्या होगा, 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऑयली स्लज को नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी मिक्स्ड विद द अदर वेस्ट टू अवॉइड द कंटामिनेशन। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं कि एनिमल वेस्ट द टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट दैट कंटेन एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन्स इट नॉट सेफ फॉर द कंटामिनेशन विद अदर वेस्ट और इन्फेक्टियस। ठीक है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या पूछा था कि विच आर द फॉलोइंग शुड नॉट बी मिक्स विद द अदर वेस्ट टू अवॉइड द कंटामिनेशन, तो इसका हो जाएगा आपका स्लज वाला पार्ट हो जाएगा, सॉरी एनिमल वेस्ट में हो जाएगा आपका। ठीक है, एनिमल वेस्ट को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, ओके, इसका राइट आंसर एनिमल वेस्ट हो जाएगा, टेरी रिड्यूस ऑयली स्लज आर द हैजार्डस, द पेट्रोकेमिकल प्रोसेस शुड बी हैंडल्ड करेक्टली एंड डिस्पोज केयरफुली विदाउट काजिंग एनी डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एनिमल वेस्ट हो जाएगा, एनिमल वेस्ट या पशु अवशिष्ट। ठीक है, चलिए ये रहा हिंदी में, और ये रहा हिंदी में बेटा आपका एक्सप्लेनेशन ये पूरा। ठीक है, तो ये हिंदी में है, आप 50 तक का ही स्कोर करके पूरा कंप्लीट करके रखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितना आपका स्कोर हुआ, आपने क्या नया सीखा, कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा सर, और कुछ नया लगा कि वीडियो में कि हाँ सर कुछ इस बार बहुत अलग रहा, एक्सप्लेन रहा, थ्योरेटिकल भी है, बहुत लैंग्वेज भी है, तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आज का सेक्शन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा आगे, ये देखिए मैं थोड़ा थक भी गया हूँ और आप भी आई होप थक गए होंगे, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे आज क्लोज करते हैं, नई एनर्जी के साथ पार्ट टू में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे ये हमारा। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ कल लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं चाहता हूँ कि आप इसको 2 से 3 बार देखें, ठीक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और कंप्लीट करें, और जहाँ पे जो डाउट है आप एक्सप्लेन में जाके उस एक्सप्लेन को उसको अपनी नोट्स में, जो आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में उसे जरूर लिख लें। ओके, नोट्स में लिख लेंगे तो हमेशा आपके पास रहेगी। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं बेटा, तो
यहाँ तक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम लोग यूनिट 4 का भी टॉपिक करेंगे, और साथ ही साथ जो 50 लेक्चर है, एक दिन हो सकता है अंतराल हो जाए, कल ना हो गए परसों हो जाए, तो थोड़ा आपको भी टाइम मिल जाएगा इस 50 क्वेश्चन के एनालिसिस करने में और स्कोर आपको प्रैक्टिस देने में, ठीक है। उसके बाद कल आप यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, परसों आपके फिर 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।